Hello everyone, welcome to the Mahesh Tutorials ICB lectures. So in ICB lectures, what do we do? In ICB lectures, we only go with the important topics and what are the topics you need to brush up with throughout the physics, all the chapters from chapter number 1, 4, 5, 6, 7 and 10th chapter. Okay, so throughout the lecture, काफी ध्यान से सुनना, what are the topics we are discussing. तो सबसे पहले आपने काफी सारे prelims, semi-prelims दे चुके हैं. तो एक tentative weightage देखते हैं, chapter wise weightage क्या है सबके. तो these are the tentative chapter wise weightage, can take a screenshot. अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे weightage दिया हुआ है same exactly same to same cut to cut आने वाला board exam में, वो उसके आसपास रहेगा, मतलब 3 marks से कम ज्यादा भी हो सकता है, but these are the tentative weightage जो important chapter wise है. Okay, now the second is आप सब जानते हो कि पूरा साइंस साइंस वन एंड साइंस टू में डिवाइडेड है 40-40 मार्क्स का, जो पूरा एक साइंस पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है. उसमें साइंस वन का पेपर पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, ध्यान से देखना. क्वेश्चन वन ए आपका एमसीक्यूज आता है, जहां पे आपको 5 MCQs पूछे जाते हैं. ये 5 MCQs थ्रू आउट द चैप्टर, 10 चैप्टर में से कहीं से भी हो सकता है. तो व्हेनेवर यू गो फॉर साइंस वन स्टडी, काफी अच्छे से सबसे पहले अपने एमसीक्यूज क्लियर कर लो और उसके बाद 5 मार्क की डूएस डायरेक्टेड आते हैं, ट्रू और फॉल्स, कंप्लीट द एनालॉजी, फिर मैच द कॉलम हो सकता है, इसमें से फाइंड आउट मन आउट हो सकता है. ये जो हम लोग बचपन से ऑब्जेक्टिव्स करते आ रहे हैं वो वहां पे पूछा जाएगा. तो आपका सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में से आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने चाहिए, 10 में से 10 मार्क्स आपको मिलने चाहिए. मतलब अगर बात आती है एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स की, तो मार्क्स कहीं पर भी जाने नहीं चाहिए आप. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2A, जहां पे हमें ग्यू रीजंस पूछे जाते हैं. 3 ग्यू रीजन होते हैं एंड दे आस्क एनी 2 टू अटेम्प्ट, 2 मार्क्स के एक होता है, तो टोटल मिला के 4 मार्क का आपका ग्यू रीजन. अच्छा, अगर आपने ऑप्शन भी अटेम्प्ट किया तो 6 मार्क का, बट ऑप्शन वाला काउंट नहीं होता. तो आपको सारे टेक्सचुअल ग्यू रीजंस प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो जैसे हम बात करते हैं कि फिजिक्स की बात कर लें, कि फिजिक्स में टोटल टेक्सचुअल 12 to 13 ग्यू रीजंस हैं, तो आप पहले सबसे पहले ग्यूरिजन्स प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपका 4 मार्क कंफर्म हो जाएगा. उसके बाद 2-2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस, जहां पे 5 क्वेश्चन होगा, आपको 3 अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 6 मार्क का हो जाएगा, जिसमें से 2 फिजिक्स के और 2 केमिस्ट्री के कंफर्म रहेंगे. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी मच थ्रो विथ ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ओके, तो ये आपके बेसिकली 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए. अब इसका सिंपलेस्ट पार्ट आता है, जहां पे आपको पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पे आपको डायग्राम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज वाइज क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में काफी सारे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं. साइंस वन की खास बात है कि आपको कहीं पर भी ब्रीफ नहीं लिखना है, आपको 1 सेंटेंस में मार्क्स मिलेंगे. आप 1 सेंटेंस लिखो, एक पूरा आपको 1 मार्क मिल जाएगा. आपके पास 8 क्वेश्चंस है, 8 में से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करना है. और ये क्वेश्चंस की खास बात ये है कि इसमें आपको 4 फिजिक्स का आएगा और 4 केमिस्ट्री का. जिन लोगों का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है या केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो केमिस्ट्री में तो सिर्फ आपके पास 4 ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 3, 8 और 9. जिसकी ये 4 चैप्टर अच्छे से क्लियर है, वो तो यहाँ पे 4 आराम से अटेम्प्ट कर लेगा. आपको बस एक फिजिक्स का अटेम्प्ट करना है, 5 आराम से अटेम्प्ट हो गए, 15 मार्क आपके जेब में, 10 मार्क ऑब्जेक्टिव का आपके जेब में, 25 मार्क गिव रीजंस, और वो 10 मार्क में से कम आपको 7 मार्क आ गया, 32 वहां से ही हो गए. फिर लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एनी 1 अटेम्प्ट करना है, एक फिजिक्स में से, एक केमिस्ट्री में से. तो आपका जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स प्रैक्टिस करो, अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री प्रैक्टिस करो. आप वही प्रैक्टिस करो, अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर लो कि जो आपको बोर्ड में अटेम्प्ट करना है आप वही प्रैक्टिस करो, और अच्छा खासा प्रैक्टिस करो, ताकि ये 5 में से एटलीस्ट 4 मिले. तो कहीं ना कहीं आप 32 से लेके 36 के बीच में आराम से पेपर में स्कोर कर सकते हो आप साइंस वन के पेपर में. तो सर कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है ये पूरे पेपर में, तो कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको थ्रो करूंगा, आपको एक एक करके आंसर देना है और उस पर काफी क्लियर रहना है. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर. एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ. क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर द स्पीड्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम ए टू बी, सी टू डी एंड ए टू एफ, मतलब ए से लेके बी तक एक्स, सी से लेके डी तक वाई, और ई से लेके एफ तक जेड.
तो ये पूछा है कि आप इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो और कौन सा वाला चारों ऑप्शन में से विच वन विल बी द ट्रू राइट ऑप्शन है। हम सब लोगों ने लेक्चर में देखा था कि जितना डिस्टेंस सन के पास में होगा वहां पे उतना स्पीड ज्यादा होगी और जितना दूर होगा वहां पे उतना स्पीड कम होगी। मतलब एज पर द डायग्राम ए से लेके बी तक जो एक्स वैल्यू दी हुई है वो सन के पास में तो स्पीड ज्यादा होगा और ई से लेके एफ तक वाई है वो स्पीड कम होगा। तो एक्स वाई एंड जेड, क्या बोला, एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो कौन सा वाला ऑप्शन है? यस दैट इज ऑप्शन ए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यहां पे दे हैव गिवन अस केप्लर्स थर्ड लॉ जो कि हमें उसे करेक्ट करना है। नाउ जस्ट रीड द केप्लर्स थर्ड लॉ। यस यू कैन फाइंड आउट इसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग है। अब वो कौन सा वर्ड मिसिंग है वो जरा पता करते हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये उसने बोल के दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, हम लोग कभी भी टाइम का स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट वो जो आर का क्यूब है मतलब मीन डिस्टेंस, नॉट जस्ट द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सम, सेकंड पार्ट। डिफाइन फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट होना है। नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था फ्री फॉल। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ्स इन्फ्लुएंस अलोन, कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, जैसे स्पेस में, स्पेस में बस और बस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स आता है, उसके अलावा दूसरा फोर्स नहीं आता, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल, इसमें से कौन सा फ्री फॉल का एग्जांपल नहीं है? मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पैराशूट जंपिंग एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यस क्लास, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब कितने लोगों को समझ में नहीं आया सी, उनको बस बता दे रहा हूं। बच्चा पैराशूट जंपिंग हम लोग अर्थ पे करते हैं, जब एक अर्थ पे आदमी कूदता है या जंप करता है एक इंसान, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आता है और एटमॉस्फेरिक फोर्स भी आता है, तो दो फोर्स आ रहे हैं, ये फ्री फॉल नहीं है। बट अर्थ सन के चक्कर काट रहा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून अर्थ का चक्कर काट रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर काट रहे हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ओनली। तो ए बी डी फ्री फॉल में, सी फ्री फॉल में नहीं। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ इरेगुलर शेप इज टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास। नाउ दे आर सेइंग कि अगर दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस ट्रिपल हो जाता है तो तब क्या होगा? हमने देखा था कि फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर फोर्स ज्यादा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो यहां के केस में क्या बता रहा है? यहां के केस में डिस्टेंस ट्रिपल हो चुका है, तीन गुना बढ़ चुका है, तो सीधी सी बात है फोर्स कम होगा। तो सर इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में डी के जगह पे थ्री डी द होल स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस का ट्रिपल, तो जी एम वन एम टू अपॉन नाइन डी स्क्वायर। अब 9 को बाजू में ले लो, 1 अपॉन 9 हो जाएगा, तो जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा, that is 1 upon 9f. तो सीधी सी बात है, फोर्स पहले से 9 गुना कम हो चुका है, the gravitational force between them becomes 1 by 9th the initial force, पहले वाला force. Third part, the mass of m2 was reduced to 50%. And the force exerted by M1 on M2 was found to be 20 newton.
What is the force exerted by M2 on M1? मतलब अगर जितना M1 M2 पे लगाएगा उतना ही M2 M1 पे भी लगाएगा. न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. तो अगर M1 M2 पे 20 न्यूटन लगाया तो M2 ऑन M1 भी कितना लगाएगा, 20 न्यूटन ही लगाने वाला है. आंसर इज 20 न्यूटन. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स, यस क्लास, द आंसर इज करेक्ट, दैट इज सेंट्रोइड. डिफाइन एस्केप वेलोसिटी. अच्छा, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ये उतनी वेलोसिटी है कि हमें बस इतने वेलोसिटी लगाने पे हमारा रॉकेट ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट बाहर जाना चाहिए. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी. द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉट फॉल बैक ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम बी स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? द पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर. और इंफिनिटी पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता. An artificial satellite is shifted from Leo to Io. Lower Earth orbit से हमने इसको Io में ढकेल दिया. How will be the value of G vary? मतलब gravity पे क्या असर पड़ेगा? We have a formula G is equals to G m upon R square. Am I right class? और यहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो R है, R का मतलब डिस्टेंस. तो मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी क्या होगा? कम, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. तो अगर लियो से हियो में गया, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट से हायर अर्थ ऑर्बिट में गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो ग्रेविटी क्या होगा? सीधी सी बात है, ग्रेविटी कम हो जाएगी, बिकॉज ग्रेविटी एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? एक चीज बढ़ना तो दूसरा चीज का कम होना. So what is the answer for this? The answer says, if an artificial satellite is shifted from Leo to Io, the value of G decreases. Sir, aisa kyun hota hai? Because distance and gravity are inversely proportional. If the mass of Earth is doubled and its radius is half, then what is the value of G? Mass double, radius half. To sabse pehli baat formula likhenge. जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो हमें नया ग्रेविटी ढूंढना है. सर, नया ग्रेविटी क्यों ढूंढना है? नया ग्रेविटी इसलिए ढूंढना है बिकॉज मास डबल हो चुका है, रेडियस हाफ हो चुका है, तो नया वाला कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे. तो 2gm, सर क्यों 2? मास डबल हो चुका था ना, तो 2gm आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर. क्यों? रेडियस हाफ हो चुका था, आर अपॉन 2. जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2gm वैसा का वैसा आर स्क्वायर अपॉन 4. जो सबसे नीचे वाला 4 है ना, वो न्यूमिनेटर में चले जाएगा 82 के पास. तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, 8 gm upon r square. वो gm upon r square क्या बन जाएगा? g बन जाएगा. That is something said as 8g. So the value of g will become 8 times पुरानी वाली ग्रेविटी से 8 गुना ज्यादा. तो कोई भी ऐसे सम्स आते हैं ना, सबसे पहले वैल्यूज रखो और पुराने वाले फॉर्मूले में जो भी दिख रहा है उसको g बना दो या f बना दो. If the mass of the body is double and radius is half, so same sum. Nahin, achhe se padho. What will be the value of G at the center of the earth? Same question nahin hai ye. It's a different question. Center of earth pe kitna hoga?
तो सेंटर ऑफ अर्थ पे इट विल बी जीरो, बिकॉज सेंटर ऑफ अर्थ पे हम लोग मास कितना कंसिडर करते हैं, मास जीरो कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई ग्रेविटी इज ऑल्सो जीरो. तो आपके सामने दो केस दिखाई देने जिसमें डिस्टेंस डबल हो चुका है और एक में डिस्टेंस कम हो चुका है, डी बाय थ्री हो चुका है. डिवाइड करना मतलब कम होना, मल्टीप्लाई करना मतलब बढ़ना. तो केस ए में डिस्टेंस बढ़ चुका है सर क्यू टू इंटू डी, और सर केस बी में डिस्टेंस को तीन से डिवाइड कर दिए, कम कर दिया. सर आपने अभी सिखाया था अगर डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी कम. तो सीधी सी बात है, ए वाले केस में ग्रेविटी कम आएगा और बी वाले केस में ग्रेविटी ज्यादा आएगा, बट कितना आएगा वो कैलकुलेट कर. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर. पहले वाले केस में डी के जगह पे कितना रखेंगे क्लास, डी के जगह पे, डी स्क्वायर के जगह पे. यस, योर आंसर इज राइट, टू डी द होल स्क्वायर, टू डी द होल स्क्वायर, टू डी द होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, फोर डी स्क्वायर, दैट इज वन अपॉन फोर एफ. और सेकेंड केस में डी के जगह पे डी अपॉन थ्री द होल स्क्वायर रखोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर अपॉन नाइन. सर लास्ट समय हमने देखो कुछ किया था, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में था वो ऊपर चला गया था, तो नाइन ऊपर जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वन के पास, तो वो क्या हो जाएगा, नाइन. तो केस बी में नौ गुना ज्यादा हो चुका है और केस ए में पहले वाले फोर्स को चार से डिवाइड कर दिया. नो वेरी बेसिक एग्जांपल, व्हाट इज ओवरलोडिंग. सुना होगा हमने कई दफा कि सर ओवरलोडिंग, सो व्हाट इज ओवरलोडिंग, जब एक एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पूरे सर्किट में फ्लो होना चालू होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरलोडिंग, जब हम लोग काफी सारे अप्लायंसेस मल्टीपल टाइम पे एक साथ चालू रखते हैं. Based on the diagram, answer the following questions. हमारे पास एक right side में एक diagram दिया हुआ है, उसके basis पे answer करो. Complete the diagram, lines of passing through the solenoid. अच्छा, solenoid कहाँ से चालू होगा? हमने जब lecture में देखा था, जब diagram बनाया था, तो मैंने trick था कि जहाँ पे plus है उसके तरफ south pole देना, जहाँ पे negative है उसके तरफ north pole देना. और magnetic lines of forces always travels from north pole to south pole. तो ये आपका दो mark का diagram हो गया. And define solenoid. Define solenoid. तो solenoid का definition क्या है? एक ऐसा एक ring-like structure, spring-like structure है जिसके ऊपर एक coating देते हैं, resistive coating. So when the copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops, is called its solenoid. What is the nature of magnetic field inside the solenoid? Solenoid के अंदर magnetic field कैसा होगा? Yes, answer is correct. The magnetic lines of forces inside the solenoid are parallel to each other and a strong magnetic field. तो solenoid एक electromagnet के जैसा काम करता है. जब भी हम उसके अंदर current pass करते हैं, it behaves like a magnet. और current बंद कर दोगे तो normal एक spring-like structure बन जाएगा वो. Now, यहाँ पे डबल एरो दिया हुआ है, एक साथ करंट ऊपर और एक साथ करंट नीचे नहीं जाता. दिस इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन वर्क एंड दे आर आस्किंग समथिंग. लेफ्ट साइड में एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और राइट साइड में एक वायर है जिसके अंदर करंट दौड़ रहा है, और वहां पे जो प्लस माइनस है दैट्स अ बैटरी. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, मतलब जो वायर है वो कहां पे जाएगा, फोर्स कहां पे आएगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड्स. मतलब अगर करंट नीचे आ रहा है तो फोर्स कहां पे आएगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे. व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड. सर फादर मदर चाइल्ड ये शॉर्टकट है. फादर के एफ का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर. मदर के एम का मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर को, एंड चाइल्ड का सी मतलब करंट ऑन मिडल फिंगर. तो थंब के लिए फोर्स फादर, इंडेक्स फिंगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मदर, और चाइल्ड सी मिडल फिंगर दैट इज करंट, फादर मदर चाइल्ड.
अगर हम लोग यहाँ पे मिडल फिंगर को नीचे रखेंगे, करंट वाला पार्ट नीचे रखेंगे, तो आप अपना थंब देखना, लेफ्ट हैंड का थंब देखना, वो राइट साइड में तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है. सो द फोर्स इज आउटवर्ड्स. व्हेन द करंट इज डाउनवर्ड देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज आउटवर्ड्स. सर कैसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, मिडल फिंगर को नीचे रखो, इंडेक्स फिंगर को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, और थंब देखना आपके राइट साइड में बेंड होगा. वैसे उल्टा क्वेश्चन, अगर फोर्स अंदर की तरफ है तो करंट कहां पे आएगा? यस, काफी कॉमन सा आंसर है. जब फोर्स बाहर था तो करंट नीचे, अब अगर फोर्स अंदर है तो करंट कहां पे होगा? ऊपर होगा. इफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इनवर्ड्स देन द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी अपवर्ड्स. नाउ व्हिच रूल हेल्प्स अस टू फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन द अबव डायग्राम. अच्छा, कौन सा रूल यूज किया हमने क्लास? यस, एक मार्क के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने यूज किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, नाउ जस्ट डिफाइन मोटर. व्हाट इज मोटर? Yes, you all are right. मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट यूज करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. हमारे घर भी काफी सारे मोटर्स हैं, फैन, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, खिलौने, जो बैटरी पे खिलौने चलते हैं ना, कार्स, दे आर इटसेल्फ अ मोटर. So, the device that converts electrical energy into mechanical energy is called as electric motor. Now, the second question. State the principle on which an electric motor works. Iska sabse ekmaka important principle hai. Hum logon ne just iske pehle wale question mein isko apply bhi kar rahe the. इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखा था ना, वायर के अंदर करंट पास कर रहे थे और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था, तो वायर अंदर बाहर बेंड हो रहा था. वैसे ही यहाँ पे भी उसको इंग्लिश के फॉर्म में कन्वर्ट करके बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. क्या भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. नेम फोर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. तो चार कॉम्पोनेंट कौन से? आर्मेचर कॉइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिटरिंग कार्बन ब्रशेस एंड बैटरी. सर यहां पे तो आपने पांच लिखे. यस, आप इसमें से कोई चार लिख सकते हो. आप Now describe the working of a electric motor. Work कैसे करता है? एक सिंपल से, चलो अपने हाथ में एक बुक ले लो, बुक को सीधा रखो, रखा बुक को फ्रंट पार्ट में जहां पे आप लोग लेबल लगाते हैं ना, जहां से बुक को चालू करते हैं, उसको सीधा रखते हैं, तो वो हमारे कॉइल के जैसा काम करेगा. तो उसका नाम रख देते हैं ए बी. लेफ्ट से नाम रखना चालू करते हैं, लेफ्ट बॉटम से नाम रखना चालू करते हैं, जैसे राइट साइड फिगर में दिया हुआ है, ए बी सी डी. तो बैटरी की मदद से जैसे आप करंट पास करोगे, तो सबसे पहले करंट कहां पे जाएगा? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और फिर वो एफ में आएगा. तो जैसे करंट ए से लेके बी में जाएगा, तो जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो ये पता चलता है कि जो आर्म ए बी है ना, मतलब आपके बुक का लेफ्ट साइड, वो कहां पे जाएगा? नीचे.
और बुक का राइट साइड दैट इज सी डी वो कहां पे जाएगा ऊपर, तो ए बी मूव्स डाउनवर्ड एंड सी डी मूव अपवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ. Thus, the loop and the axle starts rotating in an anti-clockwise direction. उसके बाद एक बुक वर्टिकल पोजिशन में आ जाएगा जहां पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बट फिर भी वो बुक मूव होता रहेगा, कॉइल मूव होता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया. ड्यू टू इनर्शिया वो मूव होते ही रहेगा. तो फिर मूव होने के बाद वो कॉइल उल्टा हो जाएगा, मतलब एबी की जगह पे सीडी आ जाएगा और सीडी की जगह पे ए बी चले जाएगा. मतलब अब आपने बुक को उल्टा कर दो, हाफ रोटेशन हो गया. अब हाफ रोटेशन के बाद अब करंट डी से लेके सी, सी से लेके बी, बी से लेके ए में दौड़ेगा, क्योंकि अब बुक तो उल्टी हो गई, कॉइल उल्टा हो चुका है हाफ रोटेशन के बाद. अब जैसे फिर से करंट डी से लेके सी, सी से लेके बी, बी से लेके ए, अब डी सी नीचे जाएगा और ए बी ऊपर आएगा. मतलब अब आपने जब बुक उल्टा किया है तो बुक का फिर से लेफ्ट साइड नीचे और राइट साइड ऊपर, सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. डीसी नीचे और ए बी ऊपर, फिर से बुक लेफ्ट साइड में घूमेगी, बुक लेफ्ट साइड में घूमेगी. तो इट विल बी रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा. तो सर क्या हमेशा मोटर लेफ्ट साइड में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? नहीं बच्चा, ये आपके करंट के फ्लो पे डिपेंड करता. अगर आपने सबसे स्टार्टिंग में डीसी से चालू करते तो क्लॉकवाइज घूमना चालू करता, बट हमारे टेक्सचुअल में एंटी क्लॉकवाइज दिया तो वी विल गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब यहां पे ये तो हो गया जनरेटर. कैसे पता चला? बिकॉज यहां पे बैटरी यूज नहीं कर रही, ये जनरेट कर रहा है. तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सर ये एसी कैसे पता चला? रिंग्स को देख के. जब दो अलग अलग रिंग्स होंगे ऊपर और नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग्स. अच्छा, अब यहां पे जैसे वहां पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो यहां पे कौन सा रूल यूज करेंगे जनरेटर में? फ्लेमिंग्स राइट हैंड. अब स्ट्रेट भी करने बोला कि बताओ फ्लेमिंग्स राइट हैंड क्या होता है, तो वहां पे मैंने शॉर्टकट दिया था फादर मदर चाइल्ड, तो राइट हैंड में शॉर्टकट क्या है? मौसी मदर चाइल्ड. सर मौसी, मौसी का मौ मतलब क्या होगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर. क्या? मोशन ऑफ द कंडक्टर. M का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड का मतलब इंड्यूस करंट. सेम थंब को मोशन ऑन द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का मतलब दैट इज सी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. सर इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस करना. अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स विद अ नीडल डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर चेंज इट्स ईच रोटेशन? दैट इज आफ्टर एवरी सिंगल टाइम, दैट इज टोटल मिला के टू टाइम्स. अच्छा, इन विच पोजिशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल विल द इंड्यूस करंट इन द कॉइल बी मैक्सिमम? कौन से पोजिशन में इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है? सो द इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, अगर आपको एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि सर कैसे पता चला एसी है, तो हमने डिस्कस किया था कि स्लिप रिंग्स है, तो डीसी रहेगा तो कौन सा रिंग्स आएगा? स्प्लिट रिंग्स. तो स्लिप रिंग्स शुड बी रिप्लेस बाय स्प्लिट रिंग्स. यस क्लास, नाउ वी आर ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. और ये जो ग्राफ है, वन ऑफ द फेमस ग्राफ, दैट इज ऑफ लैटेंट हीट. सर लैटेंट हीट मतलब क्या? लैटेंट हीट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट और स्टेट चेंज हो जाता है. मतलब आपको ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन दिखेगी. यस क्लास, आपको ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहे हैं सबको. यस, ए टू बी एंड सी टू डी, वहां पे लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा. तो लैटेंट हीट पे याद रखना, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड द स्टेट चेंजेस. तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज अ चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर? Yes, class, that is part A to B. आपको सिर्फ वर्ड में नहीं लिखना, आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है. पार्ट ए टू बी शोज चेंज फ्रॉम आइस टू वॉटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर.
विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंज इन स्टेट। टेम्परेचर चेंज हो रहा है इस बार बट स्टेट नहीं चेंज हो रहा। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा मतलब लाइन ऊपर जाएगी नीचे आएगी। यस क्लास यू गॉट द वर्ड दैट इज फ्रॉम बी टू सी पार्ट। बी टू सी शोज चेंज इन टेम्परेचर विदाउट द चेंज इन स्टेट। डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने अभी कहा था लैटेंट हीट पे क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, कीवर्ड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और शेट चेंजेस तो वेपराइजेशन में क्या होगा, सबको पता है वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैसेस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर टेक्स्ट बुक में वर्ड स्पेसिफिक वगैरह भी दिया हुआ है। अगर टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, दैट इज यूनिट मास। व्हाट इज द हीट एनर्जी फ्रॉम ए टू बी कॉल्ड एज। ए से लेके बी तक हीट एनर्जी कौन सी है, यस क्लास दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड सी से लेके डी तक कौन सा है, जिसका भी हमने डेफिनेशन लिखा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन एंड वेपराइजेशन की स्पेलिंग राइट लिखना सो दैट यू गेट द करेक्ट मार्क्स। Yes, one more again, the famous picture that is of Hope's apparatus. Now they are asking when the temperature of water decreases from 4 to 2. Hum sabko pata hai ki 4 ke baad agar temperature decrease hota hai, to cooling ho hi raha hai. To cooling contract nahi karega, cooling kya karega, expand karega. Agar koi bhi cheez expand hoti hai, to volume increases. Sidhi si baat expand ho raha hai, volume increases and density decreases. तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम 4 डिग्री टू 2 डिग्री, हम सबको पता है कि एनोमलस बिहेवियर का रेंज है 4 डिग्री के बाद एनोमलस बिहेवियर चालू हो जाता है। तो 4 से लेके 2 तक वाटर कूल हो रहा है बट कूलिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्सपांड। और जो भी चीज एक्सपांड हो रही है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। और वॉल्यूम बढ़ना मतलब द लेवल ऑफ वाटर विल राइज। Which of the thermometer shows T1 or T2 will show a temperature of 0 degree first? आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर 4 डिग्री के बाद कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड करने पे वाटर लेवल विल राइज, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, तो एनोमलस बिहेवियर कब तक चलता है, 0 डिग्री तक चलता है। और 0 डिग्री तक मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होते हैं और ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर 0 डिग्री फर्स्ट बनेगा। ऊपर कौन सा टेम्परेचर है, थर्मोमीटर क्लास T2, तो इन T2 विल शो द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री फर्स्ट। सो पाइपलाइंस क्यों क्रैक होते हैं, पाइपलाइंस क्रैक इन विंटर सीजन इन कोल्ड कंट्रीज ड्यू टू विच फिनोमिना। सीधी सी बात है, पानी तो होगा पाइपलाइन में और पानी जब एक्सपांड होगा तो ही तो पाइप्स के ऊपर प्रेशर आएगा और क्रैक होगा। एक्सपांड कब हो रहा था पानी, वो भी विंटर में, विंटर में यही पॉसिबल चांसेस है ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर। अ सैंपल ऑफ एयर कंटेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज सैचुरेटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पूरा सैचुरेट हो चुका, पूरा का पूरा वाटर वेपर से भर चुका है। सैचुरेट का मतलब क्या होना, भर जाना। ओके नाउ अब आगे क्या ट्विस्ट किया उसने, If the temperature of air sample is raised further, temperature raise करना मतलब क्या क्लास होता है, temperature raise करना मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, temperature धीरे 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 बढ़ रहा है। और अगर temperature बढ़ रहा है मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे एटमोसफियर क्या होगा, ओवर सैचुरेट, सैचुरेट ड्यू पॉइंट की अनसैचुरेट। तो एक ट्रिक याद रखना, टेम्परेचर कम करने पे सैचुरेट होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे अनसैचुरेट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अब अगर बढ़ रहा है तो बताओ आंसर क्या होगा। यस क्लास करेक्ट ऑप्शन इज डी, सैंपल बिकम्स अनसैचुरेटेड।
और अगर जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो इट बिकम सैचुरेटेड, इसलिए ड्यू बनता है ना। ड्यू कब बनता है? जब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर चुका होता है। अब एक पैसेज दिया हुआ है, हैव 30 सेकंड एंड जस्ट रीड द पैसेज। नो, यहां पे पैसेज में कुछ दिया हुआ है ना, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वेयर टू वेयर, हीट कहां से कहां फ्लो होती है, तो ये सबसे बेसिक आंसर है, हीट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हेंस टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। तो ये प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हाउ विल यू स्टेट दिस प्रिंसिपल ब्रीफली? एक अच्छे खासा सेंटेंस में लिखना तो कैसे लिखोगे? कई बार लिख भी चुके हम लोग। द प्रिंसिपल ऑफ हीट एनर्जी स्टेटेड एज हीट एनर्जी लॉस्ट बाय अ हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्स में पैराग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कहां पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है फॉर 3 मार्क्स, या क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में, आई एम सो सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है। Which property of substance is measured using this principle? Principle of heat exchange से क्या पता चलता है हमें? तो हमें specific heat capacity पता चलती है object की। The specific heat capacity of substance can be measured. When does the heat exchange between two bodies in contact stop? Heat exchange कब जाके बंद हो जाता है? तो heat exchange stops when temperature of two bodies becomes equal. Yes, ये एक मार्क का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। सो डिफाइन फिनोमिनन मिनिमम वर्ड्स, रिजोल्यूशन को अपने ओन सेंटेंस में, व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर वाटर कन्वर्ट्स टू आइस, सो द फिनोमिनन इन विच आइस कन्वर्ट्स टू वाटर ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रीकन्वर्ट्स टू आइस अगेन व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। आप प्रेशर डालोगे आइस वाटर बन जाएगा, प्रेशर निकालोगे वाटर आइस बन जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? आप प्रेशर इंक्रीज करोगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। Now we are to the chapter of refraction of light. यहाँ पे n, v, n, r, n, b दिया हुआ, that is n का मतलब होता है refractive index. So refractive index of violet, refractive index of red and refractive index of blue. हमें ये चार तीन refractive index दिए हुए हैं, violet, red and blue का। अच्छा, हमने जब पढ़ा था refractive index concept, तो refractive index का मतलब क्या होता है? जो जितना ज्यादा bend होता है उसका refractive index ज्यादा, जो सबसे कम bend होता है उसका refractive index कम। तो अगर आप एक डायग्राम देखोगे, रे डायग्राम, या फिर आप सातों कलर का डायग्राम देखोगे, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, सबसे नीचे वॉयलेट आता है और सबसे ऊपर रेड, तो वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है और रेड कम बेंड होता है। तो जो ज्यादा बेंड होता है उसका रिफ्रेक्ट इंडेक्स ज्यादा, जो सबसे कम बेंड होता है उसका रिफ्रेक्ट इंडेक्स कम। तो वॉयलेट और रेड के बीच में कौन आता है? ब्लू। तो अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें तो सही कौन सा होगा? लास्ट वाला तो रॉन्ग है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन रेड, और रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ब्लू से ज्यादा है, नहीं, जबकि रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ब्लू से कम है, बिकॉज रेड कम बेंड होता है ब्लू से। तीनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल तो हो नहीं सकते, ए ऑप्शन। अब बचा कौन सा? बी और सी। बी में बोला हुआ है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन ब्लू एंड ब्लू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन आर, विच इज द राइट ऑप्शन। Now we have been given with the velocities of violet, red and green. अब concept उल्टा, जो कम bend होता है उसका velocity ज्यादा, जो सबसे ज्यादा bend होता है उसका velocity कम।
तो सर अभी तो वॉलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, तो उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, बिकॉज रिफ्रैक्ट इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो करेक्ट रिलेशन किसका जाता है, वेलोसिटी ऑफ वॉलेट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ग्रीन एंड वेलोसिटी ऑफ ग्रीन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है, रेड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों, वो सबसे कम बेंड होता है, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा। Now, have 30 second, अपने पास एक रफ पेपर ले लो और एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। यस कंप्लीटेड। तो काफी लोगों ने, मैं ये देख रहा हूं कि काफी लोगों ने रेस को तो नॉर्मल के पास बना दिया, जो कि रॉन्ग है। रेस को नॉर्मल से दूर जानी सर, क्यों, ध्यान से देखो, लाइट ग्लास में है, मतलब डेंसर मीडियम में, और कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, वाटर रेयरर मीडियम में। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डॉक्टर अवे, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अगर लाइट वाटर रेयरर मीडियम में एंटर कर रहा है, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो रेयरर में वेलोसिटी इंक्रीज, डेंसर में वेलोसिटी डिक्रीज। सो अगर ऐसा कौन सा फिनोमिना होगा, इफ द लाइट वॉज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, विच फिनोमिना अकर्स, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो कौन सा फिनोमिना होगा। तो अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इट इज नन अदर देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंप्लीट द डायग्राम, यहां पे आप देख सकते हो राइट साइड में एक उल्टा प्रिज्म है, एंड अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन द प्रिज्म, ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म। अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, कुछ भी हो जाए, वॉलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा और रेड सबसे कम बेंड होगा। सीधे प्रिज्म में वॉलेट नीचे, रेड ऊपर, तो उल्टे प्रिज्म में क्या होगा, वॉलेट ऊपर, रेड नीचे, बट फिर भी वॉलेट सबसे ज्यादा ही बेंड होगा। जरा आंसर करना, नेम द कलर दैट डेविएट द मोस्ट एंड लीस्ट, मोस्ट में सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, वॉयलेट, एंड सबसे कम बेंड कौन होगा, रेड। Among orange and violet, which color has the highest velocity? अब भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जो सबसे ज्यादा बेंड होता है वेलोसिटी कम, जो सबसे कम बेंड होता है उसका वेलोसिटी ज्यादा। तो ऑरेंज और वॉयलेट के बीच में ऑरेंज ज्यादा बेंड होता है कि वॉयलेट बेंड होता है? यस, वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है तो वेलोसिटी कम, ऑरेंज कम बेंड होता है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो मतलब ऑरेंज की वेलोसिटी ज्यादा है compared to velocity of violet. Again, अब आपके सामने एक phenomena दिया हुआ, name the phenomena occurring at point A, B and C. So point A के ऊपर light bend भी हो रही है और disperse भी हो रही है। So that is refraction and dispersion. Point B के ऊपर total internal reflection, because light कभी भी, जब भी transparent medium से टकरा के वापस आती है, usually क्या होना चाहिए, transparent medium से light bend होके बाहर जानी चाहिए। So that is something called as total internal reflection. और C से फिर से refraction, फिर से light bend हो गई। So what we say, light बाहर आने के बाद scatter होती है, and we see a rainbow. तो यहाँ पे ये phenomena है, diagram के base पे आपसे question पूछा था तीन। अच्छा,
एक ऐसा एंगल जहां पे रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, एग्जैक्टली कट टू कट जाता है, मीडियम दोनों मीडियम के सरफेस को टच करता है। अगर एयर और वाटर है तो वाटर को भी टच करेगा, एयर को भी टच करेगा रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सर हम लोग उसको क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं, ये एक लास्ट एंगल है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर ये एंगल के बाद एंगल बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर से लाइट टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो लेट मी रिमाइंड यू, अगर क्रिटिकल एंगल के बाद एंगल बढ़ाया तो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्ट्रेट एनी वन फिनोमिना इन नेचर विच इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर और भी काफी सारे फिनोमेना जैसे मिराज और रेनबो। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है, वैसे तो दो कंडीशन है, हम लोग दोनों देखेंगे। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रैरर मीडियम में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, so light should always travel from denser medium to rarer medium, और जो एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अभी हमने यहां पे लिखा था पॉइंट, द क्वेश्चन इज नेम द फिनोमिना ड्यू टू विच वी कैन सी द सन इवन बिफोर, इवन लिटिल बिलो द horizon, या horizon. So we can see the sun even when a little below the horizon due to refraction of light. Light bend होके हम तक आती है, तो जब जो sun जा चुका है या sun आने वाला है वो हमें horizon से ऊपर या नीचे दिखाई दे, ऊपर दिखाई देगा। Define this phenomena. This phenomena is nothing but atmospheric refraction. आपके सामने एक आई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि इमेजेस अगर रेटिना पे बनेंगे तो ही क्लियर बनेंगे। रेटिना कहां पे होता है, आईबॉल में, एकदम पीछे पीछे के पार्ट में, है ना। अच्छा सेकेंड थिंग, दूर से लाइट पैरेलल आती है। कैसे आती है, पैरेलल मतलब अगर दूर का ऑब्जेक्ट है आपसे 100-200 मीटर दूर या 50 मीटर दूर पे ऑब्जेक्ट है, लाइट पैरेलल आएगी। तो अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो मतलब कहां से आ रही है, दूर से आ रही है। तो यहाँ पे फिगर देखो, लाइट दूर से आ रही है, बट जो लाइट है ना आई लेंस के बाद रेटिना पे नहीं मिल रहा है, रेटिना से पहले ही मिल जा रहा है, उस बंदे को ये दिखाई देने वाला नहीं है, इमेज नहीं दिखाई देगा, मतलब दूर का नहीं दिखाई देगा बट पास का बराबर दिखाई देगा, रेटिना पे बनेगा। तो जिस बंदे को दूर का नहीं दिखाई देता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। सर कैसे पता चला दूर से, दूर से लाइट पैरेलल आती है, याद रखना, पॉइंट मार्क कर लो, From far away, light comes parallel. दो reasons क्या है? So the curvature of cornea and the eye lens increases. या तो second reason हो सकता है, the eyeball elongates. So the distance between the lens and the retina increases. So ये दोनों में से figure आपके सामने जो extra figure है, हमें करेक्ट किसको करना था, ये पैरेलल लाइट्स को कनेक्ट करना था ना। उस पैरेलल लाइट्स को करेक्ट करने के लिए देखो कौन सा वाला, सेकंड और थर्ड में से कौन सा वाला, यस क्लास सेकंड वाला। पैरेलल लाइट को हमने बीच में क्या रखा, कौन केव लेंस रखा, कौन सा लेंस, कौन केव, जो कि एग्जैक्टली रेटिना पे मर्ज हो रहा है।
फिगर टू। सो मायोपिया में लेंस का पावर क्या होगा? नेगेटिव पावर होगा। आई रिपीट, मायोपिया में लेंस का पावर नेगेटिव होगा, बिकॉज क्यों? कॉनकेव लेंस नेगेटिव में लेते हैं हम लोग। तो मेक अ पॉइंट, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस विल बी नेगेटिव। सॉरी, ये वी हैव अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जहां पे दो लेंसेस यूज किया, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है। तो इसका हमें डायग्राम कंप्लीट करना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल मैग्निफिकेशन होता है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी हैव डबल मैग्निफिकेशन। एक पहला वाला मैग्निफिकेशन कहां से होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस से, और दूसरा वाला मैग्निफिकेशन आईपीस से होगा। तो डबल मैग्निफिकेशन के चलते इमेज, जो फाइनल इमेज होगा, वो काफी बड़ा बन के दिखाई देता है। तो लेंस ए इज ऑब्जेक्टिव एंड लेंस बी इज आईपीसी। नाउ द कंप्लीट द रे डायग्राम में आप उसको नेचर लिखना। तो हमें पहले तीनों रूल्स पते होने चाहिए। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद द रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम फोकस। Second rule, if it passes from focus, the incident ray passes from focus, then the refracted ray becomes parallel. Or third rule says, agar wo optical center se pass hoga, to optical center se straight jayega. Theek hai? So from this part we can say that, agar object 2F1 aur F1 ke beech mein, sir what is 2F1? 2F1 matlab center of curvature. Kahin pe bhi likh lo. 2F jahan pe bhi likha hota na, wo center of curvature hota, focus ka double. तो पहला रूल देखो, इट पासेस फ्रॉम फोकस, और दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जा रहा है, तो दोनों 2F2 के पीछे बन रहा है, एक बड़ा इमेज बन रहा है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। याद रखना, रियल के साथ कभी भी इन्वर्टेड ही आएगा और इन्वर्टेड के साथ रियल आएगा। शॉर्टकट क्या था? रिवर, RIVER, रिवर। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। अब एक बंदे को पावर है 2D+2D, अगर प्लस है तो कौन सा लेंस? यस क्लास, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन से आई डिफेक्ट में यूज करते हैं? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मायोपिया में कॉनकेव, तो हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ये क्यों होता है? ये दो कारणों की वजह से होता है। द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस डिक्रीजेस, या फिर ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आईबॉल। फोकल लेंथ हमें पता करना है। सबसे पहले फॉर्मूला पता करो, पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/F। तो आपको जब F ढूंढना है, P इज इक्वल टू 1/F, तो अगर आपको F ढूंढना है तो F जाएगा P के ऊपर और P आएगा F के जगह पे। P का वैल्यू रखो 1/2, 1/2 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर। अगेन सेम डायग्राम मायोपिया वाला क्लास। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? वी यूज कॉनकेव लेंस, जिससे इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा। ये वाला पार्ट रॉन्ग है, एग्जैक्टली आपको रेटिना पे लेके जाना है। एग्जैक्टली जाएगा रेटिना तक। आई एम जस्ट मेकिंग द करेक्शन। ये जो लाइट यहां पे बन रही है, यहां पे नहीं बनेगी, एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगी। सो ये है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये देखना, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद एग्जैक्टली इमेज रेटिना पे ही बनेगा। तो लास्ट वाले डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ट कर देना क्लास, रेटिना पे, जैसे यहां पर दिया हुआ।
ड्रॉ रे डायग्राम जहां पे ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम होता है, दैट इज नन अदर देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होगा। ये फिलअप के लिए भी पूछ सकते हैं, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। एंड सेकेंड थिंग, कॉनकेव लेंस में कभी भी इमेज डिमिनिश ही बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना कॉनकेव लेंस का नेचर ही याद रख लो, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सीधा इमेज बनेगा, सीधा मतलब इरेक्ट, इरेक्ट के साथ क्या आता है वर्चुअल, RIVER रिवर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉनकेव में हमेशा डिमिनिश्ड ही बनेगा। व्हाट इज द नेचर, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश के लिए क्या लिखा, स्मॉलर साइज। कॉनकेव का काम क्या है, कॉनकेव लाइट को डाइवर्ज करता है, तो लाइट डाइवर्ज हो गई। देखो राइट साइड में, देखो यहां पे लाइट डाइवर्ज हो चुकी है। फिर से कॉनकेव लेंस आया ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में। हमें नेचर तो पता है कि वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश ही बनने वाला है, तो कैसे, फिर से डाइवर्ज होगी लाइट और इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश ही बना। बट कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश नहीं बनता, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बनता है। तो अगर ये डायग्राम को कंप्लीट करना है, दैट्स अ डायग्राम फॉर लाइट रेज, रेन डॉग। सो इफ वी ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, हम लोग आंख एकदम पास में ले रहे हैं, तो हमें चीजें क्लियरली दिखाई क्यों नहीं देती। यस द आंसर इट इज बिकॉज ऑफ बी, इट इज क्लोजर देन द लीजन। 25 सेंटीमीटर के अंदर रखा ऑब्जेक्ट, तो सर व्हाट इज डिस्टिंग विजन। डिस्टिंग विजन एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है, मतलब जिसका डिस्टिंग विजन 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर के बाद 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, ये सारे डिस्टेंस पे क्लियरली दिखाई देगा, बट 25 के अंदर 25, 15, 10 पे क्लियरली दिखाई नहीं देगा। उसी का स्टेटमेंट है, the minimum distance at which an object is placed from a normal eye so that it can be seen clearly without seen on eye, but agar uske andar rakha 25 cm ke andar to clearly dikhai nahi dega. जो ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, इट इज अ डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप आल्सो क्लास। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का भी रे डायग्राम है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हैं, और आपके सामने कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में मैंने अभी बताया था इमेज रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, और सेम साइज का भी बनेगा, मैग्निफाइड भी बनेगा और डिमिनिश भी बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस में हर तरह की इमेज बनते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि और आगे रूल्स लगा के कंप्लीट करें, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, इंसिडेंट रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, बट यहां पे तो ये डाइवर्ज हो चुके, इमेज पीछे बन रहा है यहां पे, दैट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपका जो कैंडल है ना, कैंडल वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, 2F2 और फोकस के बीच में, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप उसको एक ऐसे पॉइंट पे रखो जहां पे इमेज वर्चुअल और एनलार्ज होना चाहिए, और लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स। तो सब लोग याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में कौन से पोजिशन पे इमेज वर्चुअल बनता है, मतलब स्ट्रेट बनता है सीधा का सीधा। देखो ये वाला पार्ट, यही वाला बना था ना वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये देखो
इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, एफ वन और ओ के बीच में, तो यहां पे भी हमें कहां पे रखना पड़ेगा, एफ वन और ओ के बीच में ही रखना पड़ेगा, तब जाके कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनता है। तो ये याद कर लो पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको एक वर्चुअल इमेज चाहिए तो आपको उसको एफ वन या एफ टू एंड ओ के बीच में रखना पड़ेगा, दैट इज एफ वन। द नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस देख लो क्लास, रियल इमेजेस में लाइट एक्चुअली मिलती है, वर्चुअल इमेजेस में लाइट एक्चुअली नहीं मिलती। रियल इमेजेस हमेशा स्क्रीन पे ही बनते हैं और उल्टे बनते हैं, वर्चुअल इमेजेस लेंस के अंदर बनते हैं, स्क्रीन पे नहीं बनते, लेंस के अंदर और सीधे बनेंगे। और रियल इमेज चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, बट अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में भी मिलेगा और कॉनकेव में भी मिलेगा। कॉनकेव में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको कॉनकेव ही वर्चुअली में मिलने वाले। दे मे आस्क यू द पार्ट, तो जो पार्ट ए है दैट इज कॉर्निया और जो पार्ट बी है दैट इज सीलियरी मसल्स। सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए, सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या है, या कॉर्निया का फंक्शन क्या है। कॉर्निया से मैक्सिमम लाइट वहीं से बेंड होती है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम द कॉर्निया। और सीलियरी मसल्स किसको होल्ड करता है, आई लेंस को होल्ड करता है। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये तीन पॉइंट के बेसिस पे, थिकनेस ऑफ द लेंस, नेचर ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एंड एप्लीकेशन। तो थिकनेस कैसा है, कॉनकेव लेंस इज थिन, थिनर एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस, एजेस पे थोड़ा सा चौड़ा होता है और सेंटर में थोड़ा सा पतला होता है, जबकि कॉन्वेक्स में उल्टा है, वो सेंटर में थोड़ा सा थिक होता है। दिस लेंस इज थिकर एट द सेंटर और उनके एजेस पे पतला होता है, कुछ ऐसा। नेचर ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव लेंस हमें वर्चुअल फोकस देगा, कॉन्वेक्स हमें रियल फोकस देगा। एप्लीकेशन, कॉनकेव लेंस को हम लोग मायोपिया ठीक करने के लिए यूज करते हैं एंड कॉन्वेक्स को हाइपरमेट्रोपी। नाउ सम फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेस विजन चैप्टर। तो कौन से ऑर्बिट में आप इसको रखोगे और विच इज अ लॉन्च व्हीकल। तो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स वगैरह के लिए हम लोग उसको हायर अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं, और लॉन्च व्हीकल कौन सा, जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एंड हियो का फुल फॉर्म क्या था, हायर अर्थ ऑर्बिट। तो ऐसे सब सैटेलाइट्स को हम लोग हियो में रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अगेन, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि 35,780 किलोमीटर के हाइट पे, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दिस सैटेलाइट, ये हाइट पे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होता है। तो ये हाइट पे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज सेम एज द रोटेशन ऑफ अर्थ, 24 आवर्स। टू यूज अ सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिट इज बेस्ट सुटेबल, दैट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का फीचर्स क्या है, दो फीचर्स, स्पेशल फीचर्स कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट 35,780 किलोमीटर से ज्यादा है, और इस सैटेलाइट का रेवोल्यूशन का टाइम अर्थ के रोटेशन के टाइम के साथ सेम है।
अर्थ 24 घंटे में अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा और ये सैटेलाइट अर्थ का 24 घंटे में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। दो सैटेलाइट है, एक लियो में है और एक जियोसिंक्रोनस में, मतलब हियो में, और उनकी वेलोसिटी एक्स और वाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, हमने ना चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था, डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा तो वेलोसिटी कम, मतलब अर्थ के जितना पास में होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा और अर्थ से जितना दूर होगा वेलोसिटी कम होगा। तो लियो पास में है वेलोसिटी ज्यादा होगा, हियो दूर है तो वेलोसिटी कम होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। So again the same question, which is the best suited orbit for the geosynchronous orbit is the best suited. So Indus first satellite was Aryabhatta, which was launched from Soviet Union. अच्छा अगर ये table complete करना है तो अगर आप table को ध्यान से देखो तो नीचे वाले से relate करो पहले, INSAT and GSAT का काम क्या है, weather study and predict करना, तो IRNSS का काम क्या होगा, एक्यूरेट लोकेशन ऑफ पोजिशन बताना। अब थर्ड कॉलम, IRNSS को नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं, तो INSAT एंड GSAT को हम लोग क्या बोलेंगे, वेदर सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी लगती है घूमने के लिए एक ऑर्बिट में, इज इट ट्रू और फॉल्स, यस क्लास इट इज ट्रू, सैटेलाइट्स को एक हाइट पे जाने के बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो एच मतलब क्या, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ। तो जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी चारों चीज पे डिपेंड करती है, कल को इसमें से चारों में से एक भी बदला तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी बदल जाएगा। तो याद रखना मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो कांस्टेंट है ही, तो क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द ऑर्बिट। द क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यस इट डज डिपेंड्स। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, इट्स पीएसएलवी। इसके स्टेजेस करने, स्टेजेस के नाम देने, इंजन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड सैटेलाइट होता है। तो हम जानते हैं कि इवन स्टेजेस में लिक्विड फ्यूल होता है सेकंड एंड फोर्थ में। तो लॉन्च व्हीकल का साइज कौन डिसाइड करता है, तो जितना ऊपर लेके जा रहे हो तो उतना फ्यूल ज्यादा लगेगा, जितना ऊपर लेके जा रहे हो तो उतना फ्यूल ज्यादा लगेगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सैटेलाइट एंड हाइट आप जहां पर लेके जा रहे हो। So that's all for the ICB lectures. Keep practicing papers. Jitna ho sake papers practice karo. Get it checked and give your maximum time and a planned timing. Jaise humne question number 3, question number 4, question number 2, question number 1 pe dekha ki kaun se content kahan pe aa rahe hain. To sabse pehle question number 3 and question number 4 ke content cover up kar lo jahan pe maximum marks cover up honge. Okay? To uske baad objectives mein se marks jaane hi nahi chahiye. So cover up all your objectives. तो क्वेश्चन 1, 3 and 4 आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल मीट यू अगेन, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग पेपर्स क्लास।